हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम कस्टर्ड पाउडर बनाएंगे। मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स के कस्टर्ड पाउडर मिलते हैं, पर आज हम वनीला कस्टर्ड पाउडर बनाएंगे, जिसे आप घर की चीज़ों से बड़ी आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो आइए कस्टर्ड पाउडर बनाना शुरू करते हैं। कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए मैंने ये आधा कप चीनी ले ली है। ये मैंने नॉर्मल चीनी ली है, जो कि हम सभी के घरों में अवेलेबल होती है। ये मैंने एक चौथाई कप कॉर्नफ्लावर ले लिया है। ये मैंने एक चौथाई कप मिल्क पाउडर लिया है। तो यह मैंने नेस्ले का मिल्क पाउडर लिया है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने वनीला एसेंस ले लिया है, ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप पर बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। और ये मैंने येलो फूड कलर ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। और अब हम इसमें एक चौथाई कप कॉर्नफ्लावर डालेंगे, एक चौथाई कप मिल्क पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच के करीब वनीला एसेंस डाल देंगे। और अब हम लास्ट में इसमें ये एक चौथाई छोटी चम्मच के करीब फूड कलर डाल देंगे। तो ये फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बिना भी कस्टर्ड पाउडर बना सकते हैं, पर क्योंकि इसे ऐड करने से कस्टर्ड पाउडर का कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हो सके तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ज़रूर ऐड करें। तो ये मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स डाल दिए हैं। तो अब हम जार का ढक्कन लगाएंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ आप देखिए इसका टेक्सचर और कलर एकदम बाजार जैसा लग रहा है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक बाउल ले लेंगे और इसमें कस्टर्ड पाउडर निकालेंगे। तो ये मैंने कस्टर्ड पाउडर को एक बोल में अलग निकाल लिया है। तो ये हमारा कस्टर्ड पाउडर बनकर तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर एक साल तक यूज़ कर सकते हैं। आप इस कस्टर्ड पाउडर को केक बनाने में, बिस्किट्स बनाने में, पुडिंग्स बनाने में या फिर आइसक्रीम बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।